यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहज स्थिति कथा ब्रह्म विद्या नवत्या ध्यानम् सर्वात्म भानम् स्थिरचर हित कृत्ते मुचि शांति भूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहनी मुक्तवर्या संपूर्णानंदतीर्थं गुरुमृतमृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपद्ये प्रज्ञानसीम्नि रससीम्नि सदेकसीम्नि स्वस्मिन् महिम्नि विगतद्वयतत्त्वभूम्नि विद्योतते मयि जगज्जरिदं निसर्गात् स्वाभावसद्मनि मृषैवन वस्तु सत्यम् ॐ। पहले स्कंध को भागवत में अधिकार स्कंध कहते हैं, उसमें श्रोता वक्ता की योग्यता का वर्णन है। हिंदी में अधिकार शब्द जिस अर्थ में चलता है उस अर्थ में संस्कृत में नहीं है। अधिकारी संस्कृत में उसको कहते हैं कि जो उस वस्तु को चाहता हो, एक, और उसको ग्रहण करने में समर्थ हो, दो, और समझदारी हो, तीन, और गैर कानूनी न हो, चार, असंवैधानिक न हो। ये चार बात जब किसी में होती है तब उसको अधिकारी मानते हैं। वो सुनने के योग्य है, माने जो बात सुनाई जा रही है उसको चाहता हो, उसको ग्रहण करने में समर्थ हो, समझता हो, और उसके लिए वो सुनना धर्म के अनुसार संविधान के अनुसार प्राप्त हो। मंत्रियों की मंत्रणा सुनने के सब अधिकारी नहीं होते हैं, उसमें कुछ गोपनीय तत्व भी होते हैं। तो शोक सूत सौनक यज्ञ के अंग के रूप में, व्यास और नारद लोकहित के रूप में, और परीक्षित और सुखदेव मुक्त जीवन के रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत का जो दूसरा स्कंध है वो साधन स्कंध के नाम से प्रसिद्ध है। साधन क्या है कि जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं या जिससे प्रेम करना चाहते हैं या जो हो जाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के अनुकूल, प्रेम के अनुकूल उसके स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हम जो काम करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के अनुकूल क्रियाकलाप हमारे जीवन में नहीं आवेगा, तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो भागवत के द्वितीय स्कंध में साधन बताया गया, मुख्य रूप से श्रवण। एक अद्भुत बात है कि यदि वस्तु नित्य परोक्ष हो, परोक्ष माने आंखों से ओझल, अक्षण पर परोक्ष, जो हमारी इंद्रियों से मालूम न पड़ती हो, अतीन्द्रिय हो और असंवेद्य हो, हमारी बुद्धि की गति भी जहां न हो, बल्कि वेदांत की रीति से तो कहते हैं जो साक्षी का भी विषय न हो, ऐसी वस्तु को जानने का, उसका साक्षात्कार करने का एक ही साधन है कि उसके बारे में हम श्रवण करें।
क्योंकि वहां इंद्रियों की गति कुंठित है, बुद्धि से अनुमान भी नहीं कर सकते, उपमान उसका कोई है नहीं, अर्थापत्ति अनुपलब्धि आदि जो प्रमाण है वहां जाते नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई अनुभवी पुरुष बोल करके बतावे और वो भी सत्य ज्ञान के आधार पर, अपौरुषेय ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर जिससे ईश्वर मिलता है और मालूम पड़ता है, उस ज्ञान के आधार पर जिससे जीव बनता है मालूम पड़ता है, जिससे जगत मालूम पड़ता है, उस अपौरुषेय मानव माने जो ईश्वर निर्मित, जीव निर्मित और जगत का अनुभव करके लेबोरेटरी में बनाया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जिसका पता नहीं चलता है, उस ज्ञान के आधार पर परमात्मा का पता, सत्य का पता चलता है। अति इंद्रियान असंवेद्यान पश्यन् त्यार्षेण चक्षुषा जे भावान वचनम तेषाम नानुमानेन बाध्यते। जो अतीन्द्रिय और असंवेद्य वस्तुओं को देखने वाले लोग हैं, उनकी बात को यदि कोई तर्क वितर्क अनुमान प्रत्यक्ष आदि से काटना चाहे तो वो बिल्कुल नहीं करती है। तो एक बात तो ये है कि आप लेबोरेटरी में बैठ के स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का पता नहीं लगा सकते, उसके साधन की शैली दूसरी है। और दूसरी बात यह है कि जो साक्षात अपरोक्ष हो, हमारे सामने हो, हम ही हो और अपने को भूल गए हैं, साक्षात अपरोक्ष होने पर भी यदि अपने बारे में अज्ञान हो तो वो सिवाय श्रवण के और किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए और लोक परलोक का संबंध जानने के लिए श्रवण के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सर्वथा वैज्ञानिक है, युक्तिसंगत है, अनुभव सिद्ध है कि ऐसी वस्तु को जानने के लिए हमें श्रवण ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब श्रवण करना हो तो ये देख रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे बीतता है। एक बात पर आप ध्यान दें, कितनी हंसी के लायक बात है कि हमारी थाली घर में खो गई और हम उसको घड़े में ढूंढ रहे हैं। घड़े के का छोटा छोटा सा मुंह, उसमें थाली कहां से मिलेगी। हाथी खो गया और दावत में ढूंढ रहे हैं। तो जो नित्य वस्तु है उसको जब हम अनित्य में ढूंढने लगते हैं, अविनाशी वस्तु को विनाशी वस्तु में ढूंढने लगते हैं और सर्वव्यापक वस्तु को एक कतरे में, एक टुकड़े में, एक परिच्छिन्न पदार्थ में ढूंढने लगते हैं और परमानंद स्वरूप को दुखदायी वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं, तो वो ढूंढने की विधि गलत हो जाती है। इसलिए महात्माओं ने इसके बारे में जो मार्ग निकाला है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप अपने से बुद्धिमान किसी को मानते हैं कि नहीं। सब बात अपनी बुद्धि के भीतर ले आना कि बस हमारी बुद्धि में जितना आ गया उतना ही है, ये बड़ा साहस, बड़ी हिमाकत की बात है। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा, जो प्रत्यक्ष से जो बात नहीं जाने जाते, अनुमान से जो बात नहीं जाने जाते, वो बात शास्त्र से जानी जाती है। नहीं तो शास्त्र प्रमाण नहीं होगा, अनुवादक होगा। जैसे लेबोरेटरी में अनुभव कर करके और कोई बात किताबों में लिखी जाती है
वो दूसरी होती है। और जो बात किसी साइंस से मालूम नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष अनुमान से मालूम नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष अनुमितियावा यत्तु पायो न बुद्धिते एनम वदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, वेद वो बात बताता है जिसको आप प्रयोगशाला में या इंद्रियों के द्वारा या बुद्धि से तर्क वितर्क करके या आंख बंद करके समाधि लगा के जिसको नहीं जान सकते वो वस्तु बताने के लिए वेद है। तो श्रवण के बिना किसी भी अज्ञात वस्तु का, भले वो मैं ही क्यों न हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मेरी कितनी आयु है और मैं कितना प्रेमास्पद हूं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ये बात बिना श्रवण के मालूम नहीं पड़ सकते। बल्कि किताब पढ़ना भी श्रवण नहीं है, उसमें एक ही बुद्धि काम करती है और श्रवण जब करते हैं तो उसमें बुद्धि डबल हो जाती है, दो बुद्धि हो जाती है। अपने आप पुस्तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसकी जो शैली है बोलने की उसको भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो जो भागवत आदि ग्रंथों की, वेदों की जो शैली है उसको तो साधारण बुद्धि से पकड़ कैसे पाएंगे। तो श्रवण के लिए कल सुनाइए आपको कि एक तो चाहिए मन की एकाग्रता और दूसरे चाहिए हृदय की निर्मल श्रद्धा और तीसरे चाहिए श्रवण के अनुकूल मनन। विरोधी चिंतन को मनन नहीं कहते हैं, अनुकूल चिंतन को मनन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में दो अध्याय मन की एकाग्रता के लिए हैं और दो अध्याय श्रद्धा, हृदय की निर्मलता के प्रकाश के लिए हैं और छह अध्याय मनन के लिए हैं, जिनमें तीन अध्याय उत्पत्ति के लिए और तीन अध्याय उपपत्ति के लिए हैं। उपपत्ति माने युक्ति, युक्तियों से शास्त्र के अर्थ को सिद्ध करना और सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया देखकर। एक ऐसी बढ़िया बात आई है भागवत के दूसरे स्कंध में, एक सज्जन योगाभ्यास करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं होता, रोग नहीं होता, मौत नहीं होती, सदा जवानी बनी रहती है, सारे सुख वहां उपलब्ध हैं, बिना भोग के ही वहां परमानंद रहता है। वहां स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है पर सुख है, वहां भोजन के लिए कोई स्थूल वस्तु नहीं है पर वहां सुख है, वहां धन दौलत की प्राप्ति नहीं है परंतु सुख है। वहां पहुंच गए बड़े सुखी। एक दिन उन्हें अपनी धरती की याद आई कि हमारी धरती कैसी है, बताया गया उनको, देखो वो तुम्हारी धरती है। उन्होंने देखा धरती के लोग केवल नासमझी से दुखी हो रहे हैं। जच्चित्त तोदो कृपया निदम विराम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शना, उनके मन में बड़ी चोट लगी। ओहो, जिस धरती से मैं आया हूं वहां के लोग इतने दुखी हैं और दुखी भी केवल इस कारण है कि वे जानते नहीं हैं कि दुख क्या है और सुख क्या है, दुख को सह लेने में कितना सुख है ये उनको मालूम नहीं है और सुख का अंत कितना दुखदायी होगा ये उनको मालूम नहीं है। सुख के अंत में दुख है, दुख के अंत में सुख है, दुख और सुख दोनों की सहिष्णुता मनुष्य को ब्रह्म बना देती है, ब्रह्म से एक कर देती है, एकता का बोध करा देती है। सुख आवे उसको भी सह लो, दुख आवे उसको भी सह लो। वो महात्मा ब्रह्मलोक से नीचे उतर पड़े और आकर धरती से एक हो गए, माने उनका व्यक्तित्व जो है वो छूट गया। ये व्यक्तित्व का अभिमान दुख का हेतु है,
फिर जल से एक हुए, फिर अग्नि से एक हुए, फिर वायु से एक हुए, फिर आकाश से एक हुए, फिर समष्टि मनस तत्व से एक हुए और परमेश्वर से एक हो गए। और तब उन्होंने देखा कि संसार में जितना सुख दुख का भेद है, ये तो जो जगत का मूल तत्व है उसको न जानने के कारण है, जानने से सब मिट जाता है। अच्छा, अब जो श्रीमद् भागवत में तात्पर्य के रूप में जिसका वर्णन है, अपनी अक्ल लगा लगा के शास्त्रों का विपर्य नहीं करना चाहिए, उनको बदलना नहीं चाहिए, उलटना नहीं चाहिए, वो जिस रूप में है उसमें समझना चाहिए। ये सोचना कि पहले के लोग सब मूर्ख थे, ना समझ थे, और नारायण की नाभि क्या है? आकाश। ये भागवत में कई जगह लिखा, न भयेव नाभि। और उस अनंत आकाश में जो कि भगवान की नाभि में है, एक फूल खिला। भला आकाश कुसुम कपुष्प, और उसकी क्या स्थिति, अनंत आकाश में एक फूल की क्या स्थिति होगी? उस पर पैदा हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की खोज की, बाहर भीतर कहीं नहीं मिले, आंख बंद हो गई। जब चारों ओर से दृष्टि उनकी लौटी, अपने आप को देखा उन्होंने, तो उसमें परमात्मा का दर्शन हुआ। इस बात को ऐसे समझाया गया कि परमात्मा ने चार बात ब्रह्मा जी को बताई, उसको चतुश्लोकी ही भागवत कहते हैं। वो चार बात क्या है? एक तो सत्य क्या है, दूसरे माया क्या है, और तीसरे जगत क्या है, और चौथे ये अपना आत्मा क्या है। इन चार बातों को नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। तो ये बताया कि देखो, परमात्मा वो चीज है कि जब ये नाम रूप क्रिया, अलग अलग नाम सबके, अलग अलग आकार सबके, और अलग अलग क्रिया, ये जब तीनों चीज प्रकट नहीं थी, उसके पहले जो सत्य था वो परमात्मा था, और वो सच्चिदानंद घन अद्वितीय था। और जब नाम रूप क्रिया ये जब नहीं रहती हैं, तब भी वो आत्मरूप सत्य, चेतन सत्य बना रहता है, अमेवास अमेवाग्रे। और दुनिया में जिसको अस्थि है बोलते हैं, और दुनिया में जिसको नहीं बोलते हैं, और दुनिया में जो है नहीं से विलक्षण बोला जाता है, उनसे भी परे परमात्मा है। एक परमात्मा ही ऐसा है अपने आत्मा के रूप में, जिसको कभी ना के रूप में कोई अनुभव नहीं कर सकता। जैसे अनुभव के क्षेत्र में कोई भी अपने को मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोच सकता, नहीं जान सकता। कोई कहे कि मैंने अनुभव किया है क्या, तो मैं नहीं हूं। अरे भाई, मैं नहीं हूं ये अनुभव जिसको हुआ वही तो तुम हो। तो अनुभव के क्षेत्र में मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी नहीं है। तब परमात्मा को ढूंढने की जगह खाली को ढूंढने की जगह जैसे घड़ा नहीं है, वैसे परमात्मा को ढूंढने के लिए जगह बाहर नहीं है, वो भीतर है। अपनी अंतरात्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, माया क्या चीज है? तो माया वो चीज है कि चीज तो होवे नहीं और दिखाए दे, और होए और उसको ढक दे। जैसे नेत्र बंद, जैसे जादूगर लोग जादू का खेल दिखाते हैं, इस प्रकार ये परमात्मा में, अनंत में जो शांत वस्तु दिख रही है, अनादि में जो साधु वस्तु दिख रही है, चेतन में जो जड़ वस्तु दिख रही है, परमानंद में जो दुख दिख रहा है, और बिना और छोर से रहित वस्तु में जो परिच्छिन्नता मालूम पड़ रही है, ये परमात्मा को ढकने वाली और अनहुए जगत को दिखाने वाली, इसका नाम माया है। तो ये जगत क्या है?
इसका उत्तर ये दिया कि देखो एक बात पर विचार करो कि घड़ा जब बना तो घड़ा बनने के बाद माटी उसमें घुसी कि घड़ा बनने के पहले भी माटी ही थे। तो कोई भी चाहे मिट्टी से, पानी से, आग से, हवा से, आसमान से जो चीज बनती है उसमें ये चारों पांचों चीज पहले से ही मौजूद रहते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये जो दुनिया बनती है ये किसी मजहब की बात नहीं है। किसी भी मजहबी ने ये नहीं माना कि इस दुनिया का, इस जगत का मसाला, मैटर, उपादान परमात्मा है। वही सच्चिदानंद घन परमात्मा इस प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें वो प्रवेश नहीं करता, इसमें वो व्यापक नहीं होता, वही वही होता है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये जगत का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है, ये चौथी बात बताई गई। बताई बात ये गई कि मनुष्य को अपने आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए। कैसे चिंतन करना चाहिए कि सबके बिना मैं रहता हूं, दुनिया में कुछ न हो, गाढ़ निद्रा हो, समाधि हो, महाप्रलय हो, उस महाप्रलय को देखने वाला, जानने वाला मैं हूं। और जब सब कुछ होता है तो उसको जानने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबसे व्यावृत्त हूं, सब में अनुवृत्त हूं, सबसे व्यतिरिक्त हूं, सब में अन्वित हूं। इस बात को समझ करके आत्मा अपने आत्मा को परमात्मा से अलग मानने का दुराग्रह न करना, ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है। अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जो अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान की इच्छा रखता है उसको बस सिर्फ केवल इतने जानने योग्य है कि वो देखे कि मुझसे सब भासता है और क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है, ऐसा है अपना स्वरूप। इसके जानने की छोटी सी प्रक्रिया मैंने क्या बताई, अभी कथा प्रारंभ करता हूं। ये तो क्या नाम है, दूसरे स्कंध में चतुश्लोकी भागवत है, इसका अर्थ बनाया। ये कहते हैं देखो आप एक लाल रंग की माला देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं, लाल रंग की और गुलाब की माला सामने है। इसको कैसे देखते हो, तो आंख से देखते हैं, तो बहुत बढ़िया। माला है तब आंख से दिखती है और आंख है तब माला को देखती है। माला न हो तो आंख दिखेगी किसको, और आंख न हो तो माला दिखेगा किसको। लेकिन एक चीज यहां और है, वो क्या है, तो रोशनी है, अग्नि की रोशनी है, बिजली की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, तब आप माला को देख सकते हैं। तो इसको तीन नाम से बोलते हैं। आंख का नाम अध्यात्म है और फूलों की माला का नाम अभिभूत है, और ये जो प्रकाश है सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि का, इसको अधिदैव बोलते हैं। जब ये तीनों बातें इकट्ठी होते हैं, अधिदैव भी हो, अध्यात्म भी हो, अधिभूत भी हो, तब संसार का ज्ञान होता है। अब इन तीनों का जो साक्षी है, इन तीनों को जो जानने वाला है, वो कौन है, वो है अपना आत्मा, और वो परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं है, ये बात समझाई गई। अब आओ कथा प्रारंभ करते हैं। कथा क्या है, अब ये उस समय की बात है जब पांडवों के वनवास का समय पूरा हो गया था और वे विराट नगर में प्रकट हो चुके थे। राजाओं की बहुत बड़ी सभा हो चुकी थी,
उसमें वाद विवाद हो चुका था और उसमें बलराम और श्रीकृष्ण में भी थोड़ा थोड़ा मतभेद था, परंतु श्रीकृष्ण की बात मान ली गई कि युद्ध न करके पांडव लोग और भी वनवास करें अथवा युद्ध करके अपना राज्य प्राप्त करें, ये बात पीछे छोड़ दी जाए, पहले संधि के लिए अपनी ओर से दूत भेजना आवश्यक है। जब दूत भेजने का निर्णय हुआ तो सर्वसम्मति से ये निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण ही दूत बन करके जाए। वे अपने भक्त का छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार। भगवान ने छोटे बड़े काम का भेद ही मिटा दिया था पहले से। बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण में ये बात नहीं थी कि हम इतना बड़ा हो करके और इतना छोटा काम कैसे करें। बड़प्पन का जो अभिमान है वो अपनी हीनता का सूचक है। अपने मन में जो हीनता है उसको भरने के लिए हम किसी चीज का बड़प्पन अपने मन में रख लेते हैं। धन नहीं है तो विद्या का बड़प्पन है, विद्या नहीं है तो त्याग का बड़प्पन है, त्याग नहीं है तो तप का बड़प्पन है। किसी न किसी रूप से हम अपनी हीनता को ढकने के लिए कोई न कोई उपाय करते हैं। अब श्री कृष्ण को तो किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। निराभिमान, जहां अभिमान की शून्यता है वहां परमात्मा का प्राकट्य है। बन गए दूत, भीमसेन तो हंसने लग गए, युधिष्ठिर ने अपना संदेश लिया, द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण भले तुम संधि कराने के लिए जाओ परंतु वहां जा करके भूल मत जाना हमारी दशा को। योगी हरि जी ने एक पुस्तक लिखी थी पहले, बहुत दिन की बात है, 50 वर्ष की होगी। जाओ भले कुरुराज पे भारी दूत वर देश, जइयो भूल न कहूं वहां केशव द्रौपदी के। आप युधिष्ठिर के पांडवों के राजदूत बनकर कौरवों की सभा में भले जाइए, परंतु वहां जाकर केशव ये जो द्रौपदी के खुले बाल हैं इनको भूल मत जाना। और श्री कृष्ण ने वहां एकांत में द्रौपदी से प्रतिज्ञा की, पते द्यौ हिमवान तीर्दे, भले आसमान टूट कर गिर पड़े और हिमालय चूर चूर हो जाए, परंतु मैं जो कहता हूं द्रौपदी मेरी बात चलेगी नहीं। बहुत अद्भुत प्रसंग है। श्री कृष्ण जब गए कौरवों से मिलने के लिए, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, परंतु उन्होंने उसका स्वागत सत्कार ग्रहण नहीं किया। रखने के लिए जो उसने माल निश्चित किया था और मणि माणिक्य के जो भेंट दिए थे उनको भी श्रीकृष्ण ने स्वीकार नहीं किया, बिना बुलाए विदुर के घर में पहुंच गए। पीछे के हिंदी के कवियों ने विदुर की गरीबी का जो चित्रण किया है वो श्रीमद् भागवत में नहीं है और वो महाभारत में तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही वैभवपूर्ण विदुर का घर था और उनके घर में महल में रथ प्रवेश करता था, दारुक रथ के साथ उनके घर में प्रवेश हुआ था और विदुर जी ने हाथ पकड़ के श्री कृष्ण को उतारा था, उनका स्वागत सत्कार किया था, भोजन कराया था और जब वहां से चलने लगे तो हाथ का सहारा देकर उन्हें रथ पर बैठाया था और भरी कौरवों की भरी सभा में विदुर जी श्री कृष्ण के पांव दबाते थे, जिससे लोगों को मालूम पड़े इतना बड़ा ज्ञानी इतना बड़ा समझदार विदुर श्री कृष्ण का जब इतना स्वागत सत्कार करता है तो श्री कृष्ण में कितना ज्ञान होगा श्री कृष्ण की महिमा प्रकट करने के लिए।
दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण तुमने हमारा स्वागत सत्कार क्यों स्वीकार नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा संप्रीति भोज्यान्यन्नाने आपद भोज्याने वा पुनः न तत्वम प्रिय से राजन न तई वापद गता वयम। कोई प्रेम से खिलावे उसके घर में खाते हैं, अथवा हम बिल्कुल भूखे हों खाए बिना काम न चल रहा हो तो किसी के घर में खा लें। लेकिन दुर्योधन तुम तो हमको खिलाकर खुश होते नहीं हो, प्रेम नहीं है तुम्हारा और हम भूखे नहीं हैं, तो तुम्हारे घर में भोजन करने से क्या प्रयोजन है। ये महाभारत में इस प्रकार आता है। जिस समय कौरवों की सभा में खड़े होकर के श्री कृष्ण ने भाषण किया, वो प्रारंभ यहां से होता है कि कुरुराज धृतराष्ट्र के लिए, कुरुराज आपका वंश सदा से गौरवशाली रहा है, आपके पूर्वजों ने अपने पिता का आदर करने के लिए अपने यौवन तक का समर्पण किया है और आपके वंश की कीर्ति संपूर्ण दुनिया में फैली हुई है। युधिष्ठिर ने आपके चरणों में प्रणाम किया है और उन्होंने प्रार्थना की है कि आपकी छत्रछाया में हम पैदा हुए, आपकी छत्रछाया में हम बड़े हुए, हम पढ़े लिखे योग्य हुए, लेकिन हमारे पास साथ बचपन से ही बाल्यावस्था से ही ऐसी विपत्ति लगी है कि हमारी माँ कुंती के पास एक दासी भी नहीं रही। हमारी पत्नी का युधिष्ठिर ने कहा है हमारी पत्नी का अपमान किया, हम लोगों को बन बन में कंद मूल फल खाते भटकते रहना पड़ा, हम आपके पुत्र हैं, आपकी छत्रछाया में पले हैं, आपका वात्सल्य हमने प्राप्त किया है, आपके रहते हम लोगों को ऐसे कष्ट में नहीं रहना चाहिए। और आप इस ओर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ दुर्योधन को और दुशासन को, अश्वत्थामा को ऐसा फटकारा। दुर्योधन से कहा भीष्म पितामह तुम्हें उपदेश करते हैं, द्रोणाचार्य तुम्हें उपदेश करते हैं और तुम उनकी बुद्धि से भी अपनी बुद्धि को बड़ी बुद्धि मानते हो, तुम नाश की ओर जा रहे हो, यदि संधि नहीं करोगे तो कौरव वंश की इतिश्री हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन ने बिल्कुल नहीं सुना, बल्कि श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र के सामने उस समय जो आवेश में आकर श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया, जरा सा श्री कृष्ण का थोड़ा सा एक मनुष्य के बराबर रूप और उसमें दर्शन होने लगा विराट का, धृतराष्ट्र की आंखें खुल गईं, देखा उन्होंने कि श्री कृष्ण के इस नन्हे मुन्ने शरीर में और इतना बड़ा विराट भरा हुआ है। सब लोगों ने विराट का दर्शन किया श्री कृष्ण के शरीर में। इसके बाद है कि धृतराष्ट्र वहां से गए तो सही, परंतु नींद नहीं आवे तो विदुर को बुलाया, विदुर ने नीति का उपदेश किया, अंत तो गत्वा सनत कुमार आए। एक बात ध्यान देने योग्य है, गीता तो अर्जुन ने सुनी श्री कृष्ण से और संजय ने भी सुनी श्री कृष्ण से और संजय से सुनी धृतराष्ट्र ने, पर आप जानते हैं धृतराष्ट्र पर गीता सुनने का क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। कहीं गीता के प्रारंभ में प्रश्न तो है, परंतु सारी गीता सुन के धृतराष्ट्र में क्या परिवर्तन हुआ इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। संजय आनंद में भर गया, अर्जुन का अज्ञान मिट गया, परंतु धृतराष्ट्र का क्या मिटा? अब उनको चिंता के मारे नींद ना आवे, उपदेश करने के लिए सनत कुमार आए। सनत कुमार के आने पर भी, उपदेश करने पर भी, महाभारत का एक छोटा सा पर्व ही है सनत सुजात पर्व, जिसमें सनत कुमार आकर के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, परंतु धृतराष्ट्र की मोह निद्रा भंग नहीं हुई। नारायण वे व्याकुल छटपटाते रहे, विदुर को बुलाया,
विदुर ने भी आके समझाया। दुर्योधन ने कहा निकाल दो विदुर को यहां से, ये कपटी हमारे घर में क्यों आया है, हमारे महल में हमारे पिताजी के पास क्यों आया है। और विदुर जी ने उस समय अपने उस घर का त्याग किया। श्रीमद् भागवत में इसी की महिमा का वर्णन है, जिस घर को अपना घर समझकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, उसमें रहे, भोजन किया, विश्राम किया, शयन किया, उस घर को भी विदुर जी ने छोड़ दिया। इस त्याग में उनको कितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा। वहीं विदुर जी और उद्धव का संवाद हुआ। बाद में हरिद्वार में जाकर के जमुना किनारे से उद्धव और विदुर मिले। विदुर माने जिसका ज्ञान बहुत उन्नत हो। संस्कृत में ये विद शब्द से, विद धातु से जो उरज प्रत्यय होता है वो उन्नत अर्थ में होता है। जिसका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का हो उसको विदुर कहते हैं। उद्धव का अर्थ है आनंद रूप, भगवान की उत्सव मूर्ति। दोनों मिले और अंत में मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार में गए। आप लोग हरिद्वार जानते हैं, आपको ये शायद न मालूम हो कि नाम हरिद्वार रहे कि हरिद्वार। इसके लिए एक बार बड़ा विवाद हुआ वैष्णव और शैवों में। शैव कहते थे इसका नाम हरिद्वार और वैष्णव कहते थे इसका नाम हरिद्वार, हरिद्वार हरिद्वार। अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा गया जिसका नाम क्या रखा जाए। और देखो यही अपनी कमी को देखने का स्थान यही है। अंग्रेज जज ने निर्णय दिया कि मैं हरिद्वार में हरिद्वार, यहां लोग अपने पूर्वजों की हड्डी डालने के लिए आते हैं इसलिए इसका नाम हरिद्वार। तो किससे निर्णय लेने के लिए जाते हो, किसको जज बना रहे हो? आप अपने मन को ही जज बनाते हो, ये बड़े खतरे का काम है। आप अपनी जानकारी को ही सर्वोत्तम समझते हो, ये बड़े खतरे का काम है। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए, जो बात अपनी समझ से परे हो उसको अपने से ज्यादा जो समझदार हैं उनसे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, उसमें अभिमान करने की कोई बात नहीं होती है। प्रश्न किया विदुर ने, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखं वा न दुकारमं वा। मनुष्य, सब मनुष्य जब काम करते हैं कोई तो अपने सुख के लिए करते हैं, ये काम करके हम सुखी होंगे। परंतु देखने में ही आता है रात दिन काम में लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन न तो वो अपने को सुखी अनुभव करते हैं और न तो दुख की निवृत्ति ही होती है। इसके लिए भगवान आप बताइए क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुख है वो मिट जाए और हमारे जीवन में सच्ची सुख की प्राप्ति हो। मैत्रेय ऋषि ने बताया कि देखो ये है भगवान की माया कि परमानंद स्वरूप जीव अपने को दुखी मानता है, चेतन जीव अपने को जड़ मानता है और अविनाशी जीव अपने को नश्वर मानता है, मरने वाला मानता है, जैसा है वैसा अपने को जानता नहीं। ये है माया, ऐसा भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। ये तर्क वितर्क से सिद्ध होने वाली नहीं है। जो जादू का खेल होता है वो तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं होता, वो तो अनुभव से ही जाना जाता है। और बताया कि देखो दुख मिटाने का एक उपाय है, अशेष संक्लेश समम विदस्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करो, आंख बंद कर लेने से, समाधि लगा लेने से ये दुख हमेशा के लिए दूर नहीं होगा। गुफा में जाके छिपने से ये दुख दूर नहीं होगा। या आसमान में, सातवें आसमान में उड़ गए, स्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में गए, उससे भी ये दुख दूर नहीं होगा। नारायण अपने को बेहोश करके छोड़ दिया या भाग गए, इससे ये दुख दूर नहीं होगा। दुख तो दूर ये सब होगा,
जब हम अपने हृदय में भगवान को बैठाकर सबके प्रति सद्भाव, जो भी पेड़ पौधा, जो भी कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य स्त्री पुरुष, जो कुछ है सब भगवान की लीला है, और जब हम ये अनुभव करेंगे तभी हमारे संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो सकता है। दुखों को दूर करने के लिए अपनी जो रति है, अपनी जो प्रीति है, उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। जब भगवान से प्रेम करेंगे तो दुनिया की वस्तुएं हमको सुख दुख देने वाली नहीं होंगी। जो चीज जिससे हमारा प्रेम होता है उसी से हमको सुख मिल सकता है, और जिससे प्रेम होता है उसी से दुख भी मिल सकता है। इसलिए यदि हम अपने प्रियतम परमात्मा को छोड़कर किसी और के साथ सुखी होते हैं तो हमारे प्रेम में कमी है, और यदि किसी और के कारण हम दुखी होते हैं तब भी हमारे प्रेम में कमी है। इसलिए अपनी चित्तवृत्ति को जब परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाता है तो संसार से होने वाले जो सुख दुख हैं वो अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इसके लिए दो दुर्भाग तीसरे स्कंध में किए गए सर्ग थे, जैसे गीता के 16वें अध्याय में गो भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, एक सर्ग, सर्ग मन सर्जन सृष्टि, ये सृजन शब्द तो हिंदी में न जाने कहां से चल गया है, संस्कृत में तो सर्जन विसर्जन ही शब्द का मूल है, तो हिंदी में सृजन आ गया कहीं से। यद्यपि विसृजन का प्रयोग हिंदी वाले भी नहीं करते हैं, परंतु सृजन का प्रयोग करते हैं, और मान लेते हैं भाई हम कि हिंदी ही एक स्वतंत्र भाषा है, वो संस्कृत के अनुसार ही चले, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो स्वर्ग दो प्रकार का होता है, एक आसुर स्वर्ग और एक दैव स्वर्ग। आसुर स्वर्ग क्या होता है, जिसमें इंद्रियों की तृप्ति भी मुक्त होती है। असुसु रमन्ते इति असुराः, जो अपने आंख को, कान को, नाक को, जीभ को, त्वचा को तृप्त करने के लिए, संसार के विषयों का स्वाद लेने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनका नाम असुर है। असुसु रमन्ते, असुसु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः, जो केवल इंद्रियों की तृप्ति में, प्रीति में, भोग में रम गए, उनका नाम होता है असुर। और जिनके जीवन में अभयम तत्व संशुद्धि सद्गुण निवास करते हैं उनका नाम होता है देवता। अब आप देखो कि आप दैव स्वर्ग में हो कि असुर स्वर्ग में हो। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लोगों को तकलीफ, ताप, कला, थोड़ा थोड़ा दुख देते जाते हो और सुखी होते जाते हो, तो तकलीफ दे करके दूसरे को जो सुखी होना है वो आसुर स्वर्ग में ही जाता है, और जो स्वयं आनंद में रहना और दूसरों को आनंद देना ये दैव स्वर्ग में है। अभय रहो और अभय रखो, अपना अंतःकरण शुद्ध रखो और दूसरे का भी शुद्ध रहे, इसका प्रयास करो, समझदारी का प्रयास करो, मन की एकाग्रता का प्रयास करो, ये दैवी सृष्टि है। तो दो विभाग कर दिए तीसरे स्कंध के 19 अध्यायों में, तो आसुर स्वर्ग का वर्णन है, और फिर उसके बाद 14 अध्यायों में दैव स्वर्ग का वर्णन है। ये जो आसुर स्वर्ग का वर्णन है, आसुर माने दैत्य समझो, जो टुकड़े टुकड़े करना पसंद करते हैं, जो अभेद में भेद कर देते हैं, जो एक को अनेक कर देते हैं, ये जो बांटते जाते हैं बांटते जाते हैं, इसका अंत कहां है, विनाश। और जो अनेक को एक करते जाते हैं उसका नतीजा क्या है, पूर्णता। अनेक को एक में मिला देने से पूर्णता आ जाएगी, और एक को अनेक में बांट देने से विनाश आ जाएगा। तो यही देवता और असुर का भेद होता है। इसी से द्विती के पुत्र होते हैं दैत्य,
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दिति के पुत्र हैं। वैसे तो एक ही जगह से सबको शक्ति मिलती है, पावर हाउस एक ही है, परंतु बिजली कहीं आग लगा देती है, जला देती है और कभी कहीं कहीं नवीन वस्तु का निर्माण कर देती है। तो शक्ति तो सबको कश्यप से ही मिलती है, परंतु दिति और अदिति का भेद हो जाता है। दिति माने जो क्षीण करे, जो दीन करे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, उसका नाम होता है दिति। दीन छह धातु से भी दिति शब्द बनता है और दो अखंडने से भी बनता है, नारायण और अदिति है दूसरे। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो हैं, इनका अर्थ होता है जो केवल धान धान धान, न खाए न पिए न खिलावे न दे न ले, पैसा पैसा पैसा, जिनका दिल हमेशा चीखता चिल्लाता रहता है धान धान धान। हिरण्य, हिरण्य माने सोना, हिरण्य माने होता है सोना, और वो किसी से ममता नहीं रखता है। एक हर्ज धातु है संस्कृत में, हर्जते आपणाद आपणम प्रति इति हिरण्यम। जो एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए, एक के हाथ से दूसरे हाथ में जाए, साहूकार से चोर के हाथ में जाए और साधु से डाकू के हाथ में जाए, लेकिन कहीं किसी को मना न करे, बस हिरण्य हिरण्य सोना सोना सोना, आओ इसको अपने कब्जे में कर लें, तो हिरण्याक्ष माने होता है जो धर्म को छोड़कर, अपने सुख को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर केवल स्वर्ण पर ही दृष्टि रखे, माने धन पर ही दृष्टि रखे, उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष। और जो सोने की सज्जा पर सोना चाहे, माने उसका भोग करना चाहे, उसको कहते हैं हिरण्यकशिपु। इनके उपद्रव से बचने के लिए ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि इन्होंने सारी धरती को ही समुद्र में डुबो के रखा था, समुद्र में विहार करते थे। अब आप देखो, पढ़ते तो हैं, जरा शैली देखो भागवत से। पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध का ग्रहण होता है नासिका से, तो नाक है अध्यात्म और पृथ्वी है अधिभूत। अब इसके उद्धार के लिए अधिदैव की आवश्यकता है, तो ब्रह्मा जी की नाक से वराह भगवान प्रकट हुए, वो हो गए अधिदैव। और वो वराह भगवान आज भी, जिनको हम लोग वराह कहते हैं, सूरज कहते हैं, वो पृथ्वी के बड़े प्रेमी होते हैं। उनका मुंह धरती के साथ लगा होता है, उनकी आंख धरती की ओर देखती है, धरती को देखते हैं, धरती को चूमते हैं, और धरती की जो गंदी से गंदी अवस्था है उसको भी अपना भोग्य बना लेते हैं। वराह अवतार का अर्थ है पृथ्वी का प्रेमी, समग्र धरती का, समग्र पृथ्वी का जो प्रेमी है भगवान का वो रूप, और उसका रूप है, स्वरूप है यज्ञ। यज्ञ माने स्वच्छता, यज्ञ अंतःकरण को शुद्ध करता है। ये वराह भगवान को यज्ञांग बोलते हैं, उनके एक एक अंग में यज्ञ भरे हुए हैं, उन्हीं से ये हमारा जो जीवन की भूमिका है वो शुद्ध होती है। और कैसे शुद्ध होती है, कि जब वो अर्थ अर्थ दृष्टि, केवल अर्थ दृष्टि, जिसमें न अपने लिए सुख है नारायण और न तो दूसरे के लिए सुख है, केवल संग्रह 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 की जो दृष्टि है, अंत में वो दूसरों को ही मिलेगा। यदि संग्रह ही करोगे, उसमें धर्म नहीं है, यदि उसमें त्याग नहीं है, यदि उसमें भोग नहीं है, तो वो संग्रह अंत में विनाश के हाथों लगेगा और विनाश के पल्ले पड़ेगा, और न वो तुम्हारे काम आता है न दूसरे के काम आता है, उसमें रुकावट पड़ जाती है। ऐसे हिरण्याक्ष को, जो धरती के प्रेमी हैं, माने संपूर्ण पृथ्वी का मंगल चाहने वाले हैं, पृथ्वी माने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का, जनता का उपलक्षण है पृथ्वी का प्रेम, जो संपूर्ण विश्व की मानवता से, प्राणी मात्र से जो प्रेम करने वाला है वो वराह है, पृथ्वी को शुद्ध करता है। और पृथ्वी का जो मूलभूत अध्यात्म है नासिका, गंधक ग्राहिका, तो वहां से प्रकट होता है और वो अधिदैव है। तो किसी भी कथा को समझने के लिए उसके तीन रूप समझने पड़ते हैं। अब देखो, आपको एक भक्ति का रूप इसमें सुनाते हैं। वैकुंठ में कितना वैभव है, कितना ऐश्वर्य है।
आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। अनुमान करें कि वहां कितना भोग है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी संपदा है, कितना सुख है। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। एक तो उनकी देखो सर्वशक्तिमत्ता कि वो मुक्त को भी बद्ध बना सकते हैं। जय विजय मुक्त थे, उनको बद्ध बना दिया, और वे मुक्त को भी बद्ध बना सकते हैं, ऐसा ईश्वर का सामर्थ्य। और वहां से जो निकाले जाते हैं किसी कारण से, चाहे महात्मा का अपराध करने से निकाले जाएं, चाहे वहां की जो अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी उनका अपराध करने से निकाले जाएं, चाहे किसी भी कारण से निकाले जाएं, परंतु वैकुंठ से जो गिराए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं, उनके साथ कितना ऐश्वर्य आता है। पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न देती थी, नारायण जल अपने सारे रस को प्रकट कर देता था, पहाड़ अपने भीतर छिपे हुए मणि माणिक्य को रत्न को जाहिर कर देते थे, सूर्य चंद्रमा प्राणियों को दुख न पहुंचाने के ढंग से प्रकाश देते थे, और वायु सबके अनुकूल श्वास देता था। इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति, इतना बल उसको दिया भगवान ने, इतनी संपत्ति उसको दी भगवान ने, जो वहां से निकाला गया। अब आप विचार करो कि जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनकी सर्वज्ञता कितनी होगी, उनका ऐश्वर्य कितना होगा, नारायण उनके अंदर कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा आश्चर्य होगा। तो सब लोग वैकुंठ में जाके तो वैकुंठ का वैभव नहीं देख सकते, इसलिए वहां से गिरे हुए जो हैं तो उनका कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य। तो ये हिरण्याक्ष का प्रसंग है, इसको हम फिर थोड़ा सुनाएंगे हिरण्यकशिपु के प्रसंग में। अब वो अभिव्यंजन, वो अभिव्यंजना, वो अभिव्यक्ति जिसको देख करके आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषियों की सूझबूझ कैसी, उनका ज्ञान कितना, और हमारे जीवन के बारे में कि हमारा जीवन सुखी रहे उन्होंने कितना चिंतन किया है, ये प्रसंग देवहूति कपिल के संवाद में प्रकट होता है, उसको कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति।